गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पिपराइस थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव में मासूम के अपहरण के बाद की गई हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा 5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा पर विधायक पिपराइस डीएम एसएसपी ने पीड़ित परिवार को दिया 5 लाख का चेक। परिवार को दी सांत्वना, कहा शेष अभियुक्तों की भी होगी जल्द गिरफ्तारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को कृषि तकनीक के प्रसार की अभिनव पहल के लिए वैज्ञानिकों की बात किसानों के साथ विषय पर की चर्चा, कहा कृषि विभाग और किसान है एक दूसरे के पूरक, बढ़ाई जाए किसानों की आमदनी। बासगांव थाने की पुलिस से मुठभेड़ के दौरान पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में शामिल 25,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी राधे यादव पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक साथी मौके से हुआ फरार, इस दौरान एक एसओ और 2 कांस्टेबल भी हुए जख्मी। पुलिस ने राधे यादव के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 3 कारतूस के खोखे और 4 जिंदा कारतूस किए बरामद। गोरखपुर जिले में फूटा कोरोना बम, मंगलवार को जिले में मिले 128 कोरोना पॉजिटिव मरीज, संक्रमितों की संख्या हुई 1,797, इनमें 42 कोरोना संक्रमितों की हो चुकी है मौत, जबकि 775 लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर। 980 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का विभिन्न सरकारी अस्पताल में चल रहा इलाज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। जिला प्रशासन की पहल पर अब छात्र संघ चौराहा स्थित होप पैनेसिया अस्पताल को कोविड लेवल 2 और 3 अस्पताल के रूप में किया गया तब्दील, होगा कोरोना संक्रमितों का इलाज, जिला प्रशासन की निगरानी में आईएमए करेगा संचालित, सरकारी रेट पर होगा इलाज। बलात्कार के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा ने राजघाट थाना क्षेत्र निवासी परवेज परवाज और जुम्मन मियां को उम्र कैद के साथ कठोर आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपए अर्थदंड की सुनाई सजा। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं उपचार के संबंध में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा, दिए उचित परामर्श। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में निदेशक एम्स, जिलाधिकारी, अपर निदेशक स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य चिकित्सकों के साथ संपन्न हुई बैठक, कोविड अस्पताल के संचालन के संबंध में हुई चर्चा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति व सद्भावना समिति की बैठक, बकरीद एवं रक्षाबंधन पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मनाने के दिए निर्देश, कहा त्योहारों में खलल डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोविड-19 वैश्विक महामारी का जिले में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने आम जनमानस से की अपील, कहा अपने निजी कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने पर हाथों की साफ सफाई, मास्क के उपयोग और 2 गज की दूरी का रखे विशेष ध्यान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2020 के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों के संबंध में की चर्चा, शिक्षकों के नामों पर लगाई मोहर। एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ गोरखनाथ सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते का 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स प्रशिक्षण, विभिन्न संगठनों के प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षु महिला सिपाहियों को दिया प्रशिक्षण। न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया को रोकने की शुरू हुई पहल, अब बच्चों को मुफ्त लगेगी निमोनिया की वैक्सीन, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होगा पीसीवी नामक टीका। और महानगर में 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगने के बाद मंगलवार को दिखा संबंधित क्षेत्रों के सड़कों पर सन्नाटा, एडीएम सिटी ने कहा ऑनलाइन के माध्यम से होगी आवश्यक सामग्री की सप्लाई, करे लॉकडाउन का पालन।